हेलो एवरीवन, दिस इज़ रवि झा। आई एम ए क्रिमिनल डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि इन द मंथ ऑफ जून योर बिहार एग्जामिनेशन इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड, और उसको ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि वक्त हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा नहीं है तो बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है। यानी कि जो हमारे पास एक महीने का पर्याप्त समय है, इसमें अगर हम चाहें तो हम अपना एक रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टारगेट फॉर आईक्यू ने रिसेंटली एक बैच को इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है रैपिड क्विक रिवीजन बैच। आमतौर पर इसके अंदर कोशिश की जाएगी कि आपके जितने भी 18 सब्जेक्ट हैं उनको समय रहते एक महीने के अंदर अंदर उनके बारे में एक क्विक रिवीजन आपके साथ चर्चा के रूप में शामिल ज़रूर किया जाए, और किसी भी सब्जेक्ट के हर उस पहलू या हर उस सवाल को देखा जाए जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो अगर आप उस बैच में इनरोल कराना चाहते हैं तो आप टारगेट फॉर आईक्यू के ऑफिशियल नंबर 7500110314 पे कॉल या मैसेज करके आप इनरोल कर सकते हैं। अब आइए, मैं रवि झा आपके साथ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेकेंड पार्ट को लेकर आया हूँ, जहाँ पर जो क्वेश्चन हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में बच गए थे उनको लेकर आपके साथ एक चर्चा की जाएगी। अब यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन नंबर 53 आप देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है कि मेंसिया हैज नो प्लेस वाइल डिटरमाइनिंग पीनल लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 138 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो अगर हम इस सवाल के जवाब को देखते हैं तो इसका जवाब है बिल्कुल सही। आमतौर पे जब कभी भी सेक्शन 138 के अंदर लाइबिलिटी को देखा जाता है तो वहाँ पर ये मैटर नहीं करता है कि क्या उस व्यक्ति का इंटेंशन था या नहीं था, आपका चेक डिसऑनर हुआ है, इतना हमारे लिए पर्याप्त है। उसके बाद अगर हम लोग सेक्शन क्वेश्चन नंबर 54 को देखें तो ये बात करता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का तात्पर्य क्या है। व्हेन द कॉज ऑफ एक्शन अकर्ड इफ द चेक इज इशूड बाय द ड्रॉअर इज डिसऑनर्ड। आमतौर पर ये बात करता है कि भाई जब कभी भी जो ड्रॉअर है उसने किसी चेक को इशू किया था वो डिसऑनर हो गया, तो क्या यही तात्पर्य है? तो ये बिल्कुल नहीं है। इसमें लिखा है कि ऑन द डेट ड्रॉअर ऑफ चेक फेल्स टू मेक द पेमेंट ऑफ चेक अमाउंट टू पे विद इन 50 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द डिमांड नोटिस। यानी कि आपका चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा इस बात का है कि जब आपको डिमांड की नोटिस सर्व की गई थी उससे भी 15 दिन बीत गए लेकिन आपने अभी तक ना तो उस अमाउंट को लेकर कोई क्लैरिफिकेशन दिया और ना ही आपने उस अमाउंट का पेमेंट किया, तो हम यहाँ पर ये मानकर चलते हैं कि आपका इरादा ही ऐसा था। उसके बाद यहाँ पर एक केस आपका केस लॉ के रूप में पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेड डाउन सर्टेन डायरेक्शंस टू क्रिमिनल कोर्ट्स फॉर स्पीडी एंड एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ फेलिंग अंडर सेक्शन 138 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। और ये केस आपको देखने को मिलेगा इंडियन बैंक एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंतर्गत। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि इन विच कोर्ट द कंप्लेनेंट हैज़ टू फाइल एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द एक्विटल अंडर सेक्शन 138 ऑफ द एक्ट। तो आमतौर पर यह पूछता है कि अगर एक कंप्लेनेंट को अपील फाइल करनी है तो वो कौन सी कोर्ट में कर सकता है, तो वो कोर्ट आपकी होगी कोर्ट ऑफ सेशन के नाम से। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि व्हाट प्रोसीजर ऑफ द ट्रायल इज प्रोवाइडेड टू कोर्ट अगेंस्ट द मैटर रिलेटेड टू द पेनल्टीज इट कम्स अंडर एनी सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर नंबर 17 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो आमतौर पर यह पूछता है कि अगर चैप्टर नंबर 17 के अंतर्गत किसी भी धारा के तहत कोई मुकदमा आता है तो उसका ट्रायल करने का प्रोसीजर क्या होगा या किस प्रोसीजर से उसके ट्रायल को कंडक्ट किया जाएगा। तो वो प्रोसीजर होता है आपका समरी ट्रायल का, और समरी ट्रायल क्या होगा ये आप सीआरपीसी देखेंगे तो वहां पर आपको पता चल ही जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट रिलेटेड टू द प्रिजम्पशन। आमतौर पर जो आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसका जो प्रिजम्पशन है वो आपके किस धारा से अटैच करता है, तो यहाँ पे जितनी भी धाराओं का जिक्र किया गया है एक में भी प्रिजम्पशन की बात तो बिल्कुल भी नहीं की गई है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि पावर ऑफ द कोर्ट टू ट्राई केसेस समरली गिवन अंडर सेक्शन, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका 143 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग अगले सवाल पर आते हैं तो ये बात करता है कि इन एवरी ट्रायल अंडर सेक्शन 143 ऑफ द एनआई एक्ट एन एंडेवर शैल बी मेड टू कंक्लूड द ट्रायल। तो आमतौर पर ट्रायल को कंक्लूड करने के लिए जो आपकी तरफ से बेस्ट पॉसिबल वे होना चाहिए वो होना चाहिए विद इन द 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द कंप्लेंट। यानी कि जिस डेट को कंप्लेंट फाइल की है उस डेट से 6 महीने के अंदर अंदर अगर आप उस केस को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है, बट हम लोग जानते हैं कि कई बार ये अननेसेसरी आपका लिंगर ऑन या डिले आपका चलने लगता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं सेक्शंस 141 के बारे में कि ये क्या बात करता है,
तो जब आप इस सेक्शन को देखते हैं तो इसके अंदर आपको कंपनीज का जिक्र देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं कि सेक्शन 141 ऑफ द एनआई एक्ट डील्स विद द ऑफेंस कॉज्ड बाय द, तो आमतौर पे 141 के अंदर जो ऑफेंसेस किए जाते हैं वो ज़्यादातर आपके कंपनीज के द्वारा ही किए जाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि द कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो आमतौर पर यहाँ पर जो कंप्लेंट है वो इन राइटिंग होनी चाहिए और उस व्यक्ति के द्वारा होनी चाहिए जिसको कि पे की संज्ञा दी गई है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि 138 के अंदर जो आपका मैक्सिमम पनिशमेंट है वो कितना है, तो वो है आपका 2 साल का। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि रिटन कंप्लेंट शुड बी मेड टू द कोर्ट फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन विद इन अ पीरियड ऑफ, तो आमतौर पे जब आप कंप्लेंट रेज करते हैं कितने दिन के अंदर अंदर आपको कंप्लेंट रेज करनी है, तो आमतौर पे जो आपका एक्चुअल कॉज ऑफ एक्शन जिस दिन वो घटना हुई है, जिस दिन आपको वो नोटिस मिला है या जिस दिन डिसऑनर की जानकारी मिली है, आमतौर पे उससे 30 दिन के अंदर अंदर आप कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। उसके बाद जब अगले सवाल को देखते हैं तो वो कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डील्स विद द ऑफेंसेस कंपनीड बाय कमिटेड बाय कंपनी अंडर सेक्शन 138। तो आमतौर पे यहाँ पर उन ऑफेंसेस का जिक्र किया गया है और वो बताया गया है कि अगर कोई कंपनी 138 के अंदर किसी ऑफेंस को कमिट करती है तो उसके लिए कौन सा आपका रेलेवेंट या महत्वपूर्ण सेक्शंस होगा, तो वो है आपका 141। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंट बाय द टर्म कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ द सेक्शन 141 ऑफ द एनआई एक्ट 1881। तो आमतौर पर ये आपको देखने को मिलता है एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के रूप में जिसके अंतर्गत आमतौर पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को कंपनी की संज्ञा नहीं दी गई है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो आखिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर जो आपका धारा 138 है इसका बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये बात करता है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई चेक दिया है तो पहली बात ये कि वो चेक इन कैश होना चाहिए। अगर वो चेक किसी वजह से डिसऑनर हो जाता है या बाउंस हो जाता है तो ये उस पेयर की जिम्मेदारी है कि उस पेई को पूरा का पूरा अमाउंट पे करे ऑन देयर रेस्पेक्टिव डिमांड। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं अ चेक कैन बी प्रेजेंटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑन विच इट इज़ ड्रॉन, तो आमतौर पे ये आपको देखने को मिलता है कि पर्टिकुलरली एक चेक्स कैन बी प्रेजेंटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच इज ड्रॉन, कितने टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स जब आपका मन करे आप चेक को लगा दीजिए, देखा जाएगा, उसमें कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ फाइन विच जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कैन इम्पोज फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो आमतौर पे यहाँ पे पूछा गया है कि कितना फाइन इम्पोज किया जा सकता है, तो जो भी आपका चेक के ऊपर अमाउंट मेंशनड है उसका 2 गुना तक अमाउंट फाइन के रूप में इम्पोज किया जा सकता है। उसके बाद एक सवाल आपका और आता है कि वेदर डायरेक्टर इज लाइबल इफ द चेक इशूड ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी इज डिसऑनर्ड, तो क्या उस डायरेक्टर को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, तो जवाब है बिल्कुल हाँ, इफ ही वॉज इन चार्ज एंड ही वॉज रीजनेबल फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी, यानी कि या तो वो उस कंपनी का डायरेक्टर है, उसको इस बात की जानकारी थी, वो इंचार्ज था और उसको कंपनी के डे टू डे अफेयर्स में इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर वो चाहकर भी अपनी जिम्मेदारियों से अपने आप को विड्रॉ नहीं कर सकता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की, तो ये बात करता है प्रिजम्पशन को लेके 139 के अंतर्गत। तो जब हम इस सवाल को देखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि द चेक वॉज इशूड फॉर द डिस्चार्ज ऑफ एनी डेट, यानी कि ये कहानी आपको बयां करता है कि अगर किसी व्यक्ति ने आपको चेक दिया है तो ज़रूर आपने उसको किसी समय में कोई कर्जा दिया होगा और वो आपने उसी कर्जे को चुका रहा है या डिस्चार्ज कर रहा है, एंड दिस इज़ द बेस्ट वे कि वो उस कर्जे को चेक के माध्यम से चुकाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि व्हाट द प्रिजम्पशंस अंडर सेक्शन 139 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कि 139 के अंदर क्या प्रिजम्पशन ड्रॉन की जाती है, तो प्रिजम्पशन ड्रॉन ये की जाती है कि चेक इशूड हुआ है तो जाहिर सी बात है उस व्यक्ति की कोई लायबिलिटी होगी, उस व्यक्ति का कोई डेट होगा जिसको कि डिस्चार्ज करने की कोशिश की गई है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि इनमें से कौन सा सेक्शन है जो कंपाउंडेबल की बात करता है, यानी कि जहां पर पार्टीज के अंदर समझौता हो सकता है, तो आमतौर पर यह है सेक्शन नंबर आपका 147, जो आमतौर पर बात करता है कि अगर विक्टिम और कंप्लेनेंट अगर चाहें, आमतौर पे विक्टिम और कंप्लेनेंट एक ही शब्द है, गलत मैं बोल गया, जो आपका कंप्लेनेंट है और अक्यूज्ड अगर वो चाहें तो वो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं और इसके लिए उनको 147 का सहारा लेने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें सवाल एक आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू द बाउंसिंग ऑफ द चेक, तो आमतौर पर आपको ये देखने की ज़रूरत है कि ऑफेंस ऑफ चेक बाउंसिंग इज कंपाउंडेबल ऑफेंस, यानी कि आमतौर पे ये एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है, यहाँ पे हो सकता है पार्टी के बीच में समझौता, तो उसको ज़रूर किया जाना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि आमतौर पे
जो भी आपका ट्रायल होता है वो 6 मंथ के अंदर होना चाहिए, ठीक है। और ये पूरा का पूरा आपका समरी ट्रायल चलता है, तो इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न या कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि ऑफेंसेस अंडर द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आर ट्रायल बाई, आमतौर पे इसका ट्रायल किसके द्वारा होता है, तो आप लोगों को जानकारी होगी पहले से भी कि इनका जो ट्रायल कंडक्ट किया जाता है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा ही ट्रायल को कंक्लूड किया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि इन ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 262 टू 265 द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आमतौर पे ये किस बारे में बात करता है, तो कहता है कि भाई ये सिंपल आपका अप्लाई करेगा क्योंकि इसके अंदर समरी ट्रायल की ही बात की गई है और सीआरपीसी भी इसी धारा के बारे में अमूमन आपसे बात कर रहा है। उसके बाद जब हम लोग देखते हैं कि चैप्टर नंबर 17 वॉज इंसर्टेड इन द एनआई एक्ट बाय द अमेंडमेंट ऑफ द एक्ट इन द ईयर ऑफ, तो आमतौर पर वो जो आपका ईयर था वो था आपका 1988, जिसके तहत चैप्टर नंबर 17 को एनआई एक्ट के अंदर इंसर्ट किया गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि जो भी ऑफेंस आपके निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स के अंदर कमिट किए जाते हैं, आमतौर पर ये कॉग्निजेबल तो होते हैं, यानी कि इसके अंदर एफआईआर तो लॉज होगी, लेकिन उसके साथ ही साथ ये कंपाउंडेबल भी होते हैं कि यहाँ पर विक्टिम और अक्यूज्ड के बीच में कॉम्प्रोमाइज यानी कि समझौता हो सकता है। उसके बाद अगला सवाल है, कैन द मजिस्ट्रेट ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन ऑन द एलिगेशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ द एनआईआर, क्या मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश दे सकता है इन्वेस्टिगेशन का, बिल्कुल नहीं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं द मैक्सिमम अमाउंट विच मे बी अवॉर्डेड एज इंटरिम कॉम्पनसेशन अंडर सेक्शन 143 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट को लेकर बात की गई है, तो जो भी आपके चेक का अमाउंट है उसका मैक्सिमम 20% आपको डिपॉजिट करना पड़ता है, ठीक है, तब जाके उस चीज़ को इंटरटेन किया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि अंडर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट प्रॉमिसरी नोट कैन बी ड्रॉन फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ, तो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई भी ऐसा टाइम लिमिट फिक्स नहीं है, डेट के ऊपर मेंशन करता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इंस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉप पेमेंट रिमेंस वैलिड फॉर, कि जो आपने स्टॉप पेमेंट की बात की है ये क्या वैलिड का है, तो स्टॉप पेमेंट का मतलब होता है स्टॉप पेमेंट, उसका वैलिडिटी से कोई भी लेना देना नहीं होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि धारा 100 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट किस बारे में बात करता है, तो ये आपका डील करता है प्रोटेस्ट के बारे में यानी कि विरोध के बारे में। उसके बाद अ पर्सन हु रिसीव्स अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ फॉर वैल्यूएबल कंसीडरेशन इज नोन एज, तो आमतौर पे ये आपको देखने को मिलेगा कि होल्डर इन ड्यू कोर्स। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि ऑल चेक्स आर बिल ऑफ एक्सचेंज बट ऑल बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर नॉट चेक्स, क्या ये कथन आपका सही है या ये क्या गलत है, ये क्या है, तो ये कथन बिल्कुल आपका सही है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं अ बिल ऑफ लोडिंग इज, कि बिल ऑफ लोडिंग को क्या कहा जाता है, तो ना तो ये आपका बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करेगा और ना ही आपका प्रॉमिसरी नोट की तरह काम करेगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस इनेबल्स कोर्ट टू कैंसिल द बॉन्ड एंड द बेल बॉन्ड, तो आमतौर पर यह विचारधारा आपको देखने को मिलता है आपके 466A के तहत। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि एक शब्द आपके सामने आता है BATA TNA और इसका तात्पर्य क्या है, तो ये आमतौर पर बात करता है बेस्ट अल्टरनेटिव टू एंड निगोशिएशन एग्रीमेंट। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि चेक बाउंसिंग केसेस चार्ज्ड अंडर सेक्शन 138 ऑफ द एनआई एक्ट एंड ट्रायल्ड बाई, तो आमतौर पे इसका जो ट्रायल चलता है वो आपके मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है और जाहिर सी बात है वहाँ पर जो मजिस्ट्रेट आपको देखने को मिलते हैं वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास रैंक के होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि हु इज द ड्रॉअर ऑफ चेक कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द चेक ड्यू टू इनसफिशियंट फंड्स अंडर सेक्शन 138 ऑफ द एक्ट, तो अगर हम इस बात को देखते हैं तो यहाँ पे ह्यूमन बींग का भी जिक्र किया गया है, यहाँ पे फर्म का भी जिक्र किया गया है और यहाँ पर आपकी कॉर्पोरेट बॉडीज का भी जिक्र किया गया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ अक्यूटल बाई GFMC इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि जो न्याय मिला है वो गलत मिला है और वो न्याय उसको मिला है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट से, तो आमतौर पर उसके लिए वो अपील में कहाँ जाएगा, तो अपील में उसके पास जाने का विकल्प है कोर्ट ऑफ सेशन में। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि अंडर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हाउ मनी डेट्स आफ्टर सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ द डिमांड ऑन ड्रॉअर द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस अगेंस्ट ड्रॉअर इफ ही फेल्स टू मेक द पेमेंट, तो आमतौर पर यह आपको देखने को मिलता है 15 डेज का टाइम पीरियड। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि बिफोर इनिशिएटिंग अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स फॉर डिसऑनर ऑफ चेक विद इन हाउ मेनी डेज अ रिसिप्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट डिसऑनर शुड बी पे इशू ऑन नोटिस, तो आमतौर पे ये नोटिस के टाइम पीरियड को लेकर बात कर रहा है और यहाँ पर जब चेक आपका बाउंस हो जाता है तो 15 डेज का नोटिस आपको उसको सर्व करना ज़रूरी होता है, क्या पता उसका इंटेंशन ऐसा ना हो, भूल गया हो, और क्या पता वो आपकी डिमांड पर आपको पैसे रिफंड भी कर दें।
उसके बाद अगर हम लोग अगले सवाल पर आते हैं तो ये पूछता है कि चेक इशूड अंडर सेम ट्रांजेक्शन डिसऑनर्ड और कंप्लेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द चेक इज आमतौर पर क्या बात करता है। तो जाहिर सी बात है उसकी मेंटेनेंस को लेकर बात करेगा। तो जो चेक होना चाहिए वो आपका मेंटेनेबल होना चाहिए, या अगर आप कंप्लेंट कर रहे हैं तो वो भी आपका मेंटेनेबल होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि बैंक ड्राफ्ट के संदर्भ में कौन सी बात आपकी सही नहीं है, तो ये आपका प्रोटेस्ट आपका बिल्कुल भी सही नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का पार्ट नहीं है, तो आमतौर पे आपको ये देखने को मिलता है कि जो आपका चेक है वो भी पार्ट है, प्रोनोट है वो भी पार्ट है, और आपका जो हुंडी है वो आपका पार्ट बिल्कुल ही नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर हाउ मेनी टाइम्स अ होल्डर ऑफ अ चेक कैन प्रेजेंट इट बिफोर बैंक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इट्स वैलिडिटी, तो आमतौर पर अगर किसी व्यक्ति का चेक बाउंस हो गया है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है बैंक से उसको एक नोटिस मिल ही जाता है, तो जो उस पीरियड का जिक्र किया गया है, ठीक है, तो उसके अंदर कितनी बार आप चेक को बैंक में लगा सकते हैं, तो एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कोई भी टाइम्स को फिक्स यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं किया गया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि अंडर सेक्शन 143 ऑफ द NI एक्ट द ट्रायल शैल बी मेड टू कंक्लूड आफ्टर द फाइनल कंप्लेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, यानी कि 6 मंथ के अंदर अंदर आपका NI एक्ट का पूरा ट्रायल कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि 141 की, तो आमतौर पर यहाँ पे जिन ऑफेंसेस का जिक्र किया गया है वो यूजुअली कंपनीज के द्वारा ही कंडक्ट की जाती हैं। अगर हम लोग अंतिम सवाल पर आते हैं तो ये मैच द फॉलोइंग है, जहाँ पर हम बात करते हैं कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस को लेते हुए, तो आमतौर पर ये आपको देखना होगा 142 के अंतर्गत। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं पावर ऑफ कोर्ट टू ट्राई केस समरी के बारे में, तो ये आपको देखना होता है 143 के अंतर्गत। उसके बाद जब बात की जाती है डिफेंस को लेते हुए, तो ये 143 में आपको नजर आएगा। और उसके बाद जब बात की जाती है प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर को लेते हुए, तो आमतौर पे ये आपको 139 में नज़र आएगा, ठीक है। तो ये आपकी कंपनी लॉ के कुछ महत्वपूर्ण MCQs हैं, जिनको मैं ज़रूर कहूँगा कि आप एक नज़र से देख लीजिएगा, और ऐसा हो सकता है कि कुछ विकल्प हम लोगों के द्वारा भी गलत बता दिए जाते हैं, हालांकि इंटेंशन के साथ नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। तो एक बार आप भी अपने बैलेट से इसको एक बार रीक्रॉस चेक या रीवेरीफाई ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि चाह कर भी आपसे कोई गलत एक्ट कमेंट ना हो। तो इट्स ऑल अबाउट द टुडेज कन्वर्सेशन, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ टारगेट फॉर IQ। थैंक यू सो